हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी केमिस्ट्री दे विच सॉलिड स्टेट कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस होते अपलोड हो चुकी हैं, सब जो इम्पोर्टेंट हैगा है उन्होंने प्लीज जाके देख लो। चैनल दी प्लेलिस्ट नू विजिट करिया करो, उत्थे मैथमेटिक्स फिजिक्स से रिगार्डिंग भी बाकी वीडियोस हैगियां जो प्रॉपरली उन्होंने नाल फॉलो करो, ठीक है। सो आज देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, एदे विचों भी मास्टर केडर च क्वेश्चन बनिया होया। ते देखो जिन्हें भी क्वेश्चन है ना, एक बार सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा मैं सारे क्वेश्चन तुहानू करवा देने हैं, ठीक है। फिर तुसी भी देख लो तुहानू कितना समझ आया, तुसी कितना अप्लाई कर पा रहे हो चीजां। पहले सारिया वीडियोस देख लो, क्योंकि मेरा पैटर्न मोस्ट ऑफ दी यही रहिंदा है कि पहला वीडियोस करवा दित्तियां फिर सम, क्योंकि उन्हें तुहानू भी पता लगेगा कि तुहानू चीजा कितना तुसी अटैम्प्ट खुद कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन बाद करवा देने, नो प्रॉब्लम। सो हुण देखते हैं स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर दिस डिफेक्ट। लाइक कोई क्रिस्टल सिस्टम है ना, कोई प्रॉब्लम आ गई, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। मतलब कोई डिफेक्ट पै गया, एदे हुंदा अलग अलग तरह के डिफेक्ट है। जहां दो डिफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्कॉटकी एंड फ्रेंकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अराइज किदा हुंदे आ, कॉज की है दा, मिसिंग एटम फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइट। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई क्रिस्टल बनाया हुआ है, मतलब इक्ो नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन की गल, इतनी पॉजिटिव नैगेटिव, पॉजिटिव नैगेटिव, पॉजिटिव नैगेटिव, पॉजिटिव मिस हो गया, फिर नैगेटिव पॉजिटिव, इतने नैगेटिव लगा लो, पॉजिटिव नैगेटिव। जो भी एरे विचों को कटायन या नायन मिस हो जाता अपनी जगह तो, ठीक है, मिस हो गया ना अपनी जगह तो, इतने वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। सॉरी, इतो एक नायन भी मिस होना सी, पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव। ये देखो, एक देखो इतने पॉजिटिव तो बाद नैगेटिव आना सी, मिस हो गया, नेगेटिव तक पॉजिटिव आना सी, मतलब एक कैटायन मिस हो गया, एक एनायन मिस हो गया। जो भी किसी क्रिस्टल दे विच्चों इक्वल नंबर ऑफ कैटायन या एनायन मिस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। केड़ा डिफेक्ट? स्कॉटकी, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन ते एनायन मिस हो गए दोनों दे विच्चों, ठीक है, इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लीयर? हुण फ्रेंकल च की हुंदा आ, फ्रेंकल दे विच की हुंदा आ कि कोई कटायन मिस तो हो जाता अपनी जगह तो, पर वो बाहर नहीं जाता, कितने मिस होके अपनी इंटरस्टीशियल साइट्स दे विच आ जाता। ए हुंदी उहदी लैटिस साइट, दिस इज इंटरस्टीशियल, मतलब बीच चल जाता, दैट इज कॉल्ड, मतलब नॉर्मल अपनी क्रिस्टल साइट तो मिस हो गया, ऑक्यूपाई कितने हो गया, इंटरस्टीशियल साइट दे विच, मतलब अंदर ही रहा, बस अपनी अपनी जगह छड़ के इतने विचकार जे चले गया, दिस इज फ्रेंकल। मतलब फ्रेंकल तो याद रखना फ्रेंडली, ठीक है, मतलब इतो बस फ्रेंडशिप छड़ी नाल किते होर जाके बैठ के, ठीक है, मतलब एक फ्रेंड सर्कल अपनी जगह तो छड़ के अपना फ्रेंड दे नाल इधर ए फ्रेंड्स आ उदे नाल बैठ गया, ठीक है। सो इदा याद रहेगा। नेक्स्ट है डेंसिटी। ऑब्वियसली एक कटायन चल गया, एक नायन चल गया, डेंसिटी तो घटेगी ना, घट गई डेंसिटी, दो चीजा चल गई, उतो डेंसिटी ऑब्वियसली घट गई। ए नो इफेक्ट, क्यों नहीं इफेक्ट, क्योंकि जे मैं पूरे क्रिस्टल लैटिस नु देखा, इथो मिस हो गया इथे चल गया, है तो अंदर ही है ना, डेंसिटी नु की फर्क पेगा, मतलब जेड़ा वो एक मिस होया किथे गया, मिस होके अपनी है तो जगह ते ही है ना, मतलब अपनी जगह छड़ के इथे चल गया, है तो अंदर ही है ना, तो डेंसिटी च की फर्क पिया, नो डिफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कौन शो कर दे, जिन्हों का बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शो कर देंगे, ठीक है। पूछा जा सकता जिन्हों का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है वो किहड़ा इफेक्ट शो करते, कटायन, बिकॉज उन्हां विचों ही एक कटायन ते एनायन मिस हो सकता। जिहड़े लो वाले आ सिंपल इस जगह तो उठ के इथे बह गए, याद रख लियो, ठीक है, ठीक है। एच कोई ज्यादा कोआर्डिनेशन नंबर की लड़ नहीं हैगी, यू जस्ट अपनी जगह तो उठ के अपने फ्रेंड्स के बैठना फ्रेंड कर, ठीक है। सो इदा नहीं याद रहेगा इधर रिलेट करके, ठीक है। उस तो बाद साइज ऑफ कटायन ते नायन इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एन मिस साइज ऑफ कटायन ते नायन की हो गए इक्वल, मतलब वही शो करेंगे जिन्होंने अंदर कटायन ते नायन का साइज की है इक्वल। एनायन का साइज ज्यादा होगा दैन कटायन, मतलब जेड़ा एनायन है नेगेटिव बहुत वड्डा होएगा, जेड़ा सॉरी एनायन है ओदा हां जी साइज ज्यादा होएगा एज कंपैरिजन टू कैटायन। इन इधर याद रखियो, पहले ए आंदी है फिर सी, एदा साइज वड्डा होएगा फिर सी दा की होएगा कट। क्लियर? एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड़ा क्वेश्चन भी आया सी एग्जांपल च आया सी, ठीक है। एदे एग्जांपल है एनएसीएल, सीएससीएल, केसीएल, केबीआर, सीएससीएल, एजीबीआर। एदियां देखो सारियां एजी वालियां, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, एक है जिंक सल्फाइड, ठीक है। सो इन्हू याद करना तो सौखा, बाकी जेडिया सारिया आ गई के आ गई। एक एजीबीआर एदा का आ, एजीबीआर एक एदा का जेड़ा देखो ए भी आ,
ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੈ AGBR ਸਕੋਟਕੀ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ AGBR ਦੋਨੇ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸਕੋਟਕੀ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਕੋਟਕੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਡਿਫੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜੋ ਮੇਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਿਲੇ ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ